Hey guys, welcome back to the video of GTA 5. So यार कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बढ़िया होंगे। यार यहाँ पर ना आप देख सकते हो जो अपना दुश्मन है ना Ghost Mask, यार उसके इतने सारे बंदों ने यार मुझे कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यार, मतलब बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम में फंस चुका है माइकल। अगर आपको पता नहीं है मैं इधर कैसे फंसा हूँ, कैसे मतलब दुश्मन के चाल में फंसा हूँ, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी में ना पिछले एपिसोड में ले जाता हूँ। सो यार गाइस, लास्ट एपिसोड में ना हम लोग गए थे ट्रेवर को बचाने अपने 1 मिलियन डॉलर लेके Ghost Mask, जो अपना बहुत बड़ा वाला दुश्मन है ना भाई, उसके पास हम लोग गए थे पैसे लेके, और उससे हमने पैसे दिए और उससे ना ट्रेवर अपने पास ले लिया। और ट्रेवर पता नहीं क्या सीन है, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ था। फिर वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे ना एक बीच एरिया पे ले जाओ, और मैं उसे बीच एरिया पे ले जाता हूँ। एंड भाई वो ना मेरे पे हमला वगैरह कर लेता है, पता नहीं यार क्या होता है उसे, मुझे नहीं पता गाइस उसे क्या होता है। वो मेरे पे हमला वगैरह शुरू कर देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा वाला मेरे साथ ना धोखा हो जाता है, जो कि बहुत ही गंदा वाला सीन था। और ये धोखा तो मेरे साथ हुआ ही, उसी के साथ में ना अपनी जो सिक्योरिटी है कि SPG वाली सिक्योरिटी, जो कि उसका लीडर आपको पता है अपना फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड था वो, कि भाई उसी ने हमको धोखा दे दिया। मतलब जो सबसे पहली वाली सिक्योरिटी मैंने बाय की थी ना कि SPG वाली, भाई उसी ने मुझे धोखा दिया। वो कह रहा है कि देखो तुम ना मेरे पे भरोसा नहीं करते हो वगैरह वगैरह, और तुम हमें ज़्यादा पैसे भी देते नहीं हो, इसलिए हम Ghost Mask के साथ दुश्मनी मतलब दोस्ती कर रहे हैं। और जो अपना दुश्मन था ना डगन बॉस, तुमने उससे मतलब फ्रेंडशिप कर ली, इसलिए मैंने भी इससे फ्रेंडशिप कर ली। यार चलो यार अब आगे देखते हैं क्या सीन है। यार पता नहीं ऐसे ये लोग क्या करने वाले हैं, और कोई मुझे बचाने आने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता। और गाइस थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई उसके लिए सॉरी यार, कल ही मेरा एग्ज़ाम हुआ है और गाइस मैं आधी रात को इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ। तो यार छोटी सी वीडियो होगी तो कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी वीडियो आएगी और दूसरे गेम्स की भी वीडियो आने वाली है। तो फाइनली गाइस एक महीने से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, और पता नहीं यार ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो। यार भाई पता नहीं यार मुझे कौन बचाने वाला है एंड क्या सीन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है यार गाइस कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, बट ये ट्रेवर और ये के ने मुझे धोखा दिया ना भाई, ट्रेवर ने मुझे 2 बार धोखा दे दिया, अब मैं इसको माफ़ नहीं करने वाला। मतलब कसम से बोलूँ ना, इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। पिछली बारी आपके बोलने पे ना इसको मैंने माफ़ कर दिया था, और आप लोग ने बोला था कि यार इसे माफ़ कर दो, धोखा वगैरह नहीं देगा। यार ये उम्मीद नहीं थी, बट यार उसने मुझे फिर से धोखा दिया और कह रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो के तुम मेरे को बचाने के लिए नहीं आए हो, मतलब उधर डगर बॉस के साथ दोस्ती वगैरह करके अय्याशी कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, पार्टी वगैरह कर रहे हो। यार भाई उसको क्या पता अपने पास 1 बिलियन डॉलर भी नहीं है, और जो अपने पैसे है ना भाई ये KSPG ने चुराए थे, आपको याद है अपने इतने सारा पैसा चोरी हो गया। एक सेकंड वो लोग कहीं जा रहे हैं, भैंस की आग जा कर आ रहे हैं मुझे छोड़ के, वैसे अपने दुश्मन ही छोड़ के तो जाएंगे भाई। मुझे भी ले जाओ हेलीकॉप्टर भाई। ठीक है यार गाइस जाने दो जाने दो उनको, पता नहीं लग रहा है कुछ बातचीत वगैरह उन्होंने की है, और वो लोग ना कहीं एरिया पे लग रहा है मुझे ले जा रहे हैं। भाई देख रहे हो मतलब ये जो Ghost वाला बंदा है ना, इनको मतलब घुसला के पिसला के ना उनके साइड ले रहा है, मतलब देख रहे हो उनको इतनी इज्जत दे रहा है, हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जा रहा है, जो कि अब उन्हें कभी नहीं किया। अरे भाई भाई क्या हो गया इसको यार, ये साला अपना ही सिक्योरिटी वाला बंदा है जो कि अपनी पहली सिक्योरिटी है, और ये देखो कैसे मुझे डरा रहा है साले, मतलब मेरे पैसे खा के नमक हराम वाले चीज़ें करेगा। ठीक है कोई बात नहीं बेटा कर ले, डरा दे मुझे भाई, तेरे से डरने वाला तो मुझे, अगर मेरे हाथ खुल गए ना भाई तू तो भाई इस दुनिया में रहने वाला तो है नहीं। कोई बात नहीं है, डराने दो डराने दो। और ये कह रहा है कि यार देख अब तेरा टाइम आ चुका है ख़त्म, और सब कुछ ख़त्म, अब तेरे को हम ले जाने वाले हैं, टॉर्चर करके मारेंगे Ghost Mask, और वहाँ पे सारे हमारे दुश्मन आने वाले हैं। यार ठीक है यार चल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, बट माइकल झुकेगा नहीं ठीक है ना। तो हम लोग यार पता नहीं मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं, अब देखते हैं यार मुझे खुद नहीं पता।
और ये अपनी सिक्योरिटी ने धोखा देगा ना, बहुत गंदा वाला काम किया, इनको पैसा वगैरह सब कुछ दे रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना इन लोग ने मुझे गाड़ी वगैरह में बिठवा दिया है और ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। यार ये देख सकते हो भाई साहब, सामने वाले दो कार्स और पीछे एक कार से मुझे ना भाई पीछे बिठवा दिया। ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। भाई वो कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े वाले सेल्फिश हो। यार मैं क्या सेल्फिश किया हूँ भाई, मतलब कुछ भी, मतलब ये जो बंदा है ना गोस्ट मास वाला बंदा भाई, ये इनको मैनिपुलेट कर रहा है गंदा वाला, और मतलब मेरे जो दोस्त वगैरह है ना उनको भड़का रहा है। मैंने फ्रैंकलिन वगैरह सबको बोल दिया है कि यार गोस्ट मास वाला जो बंदा है ना तुम्हें अच्छा खासा पैसा ऑफर करेगा और तुम्हें अपने तरफ कर लेगा, तो मैंने सबको ये चीज़ बोल दिए और अच्छा था ही गाइस, सबको अलर्ट कर दिया है। और ये ट्रेवर तो बेचारा आपको पता है गाइस, इस सनकी बंदा है, किसी भी किसी की बातों में आ जाता है। बट ये मिस्टर के कितना ज़्यादा नॉलेजबल और पावरफुल बंदा है, ये कैसे आ सकता है। कोई बात नहीं यार, मुझे नहीं पता मैं कैसे रेस्क्यू होने वाला हूँ। अब तो भाई KSPG और इतने बड़ी बड़े वाले इनके पास कमांडो वगैरह है, अब इनसे मुझे कौन बचाएगा। अभी तो उन लोग को पता भी नहीं है, मतलब जो मेरी सिक्योरिटी ना उन्हें पता भी नहीं है कि मैं किडनैप वगैरह हूँ। यार आई होप यार हैकर गर्ल या कुछ भी ना मेरा लोकेशन निकाल दे, क्या पता। ठीक है यार गाइस, मुझे नहीं पता अभी कहाँ ले जाने वाले, जैसे मौका मिलता है भाई साला सारे दुश्मन को मैं मार दूंगा। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फटाफट से ना। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग जंगल की ओर में मेरे को ये ले आ रहे हैं और सामने कुछ गाड़ियाँ वगैरह और उसने हिरन ठोक दी। गाइस पता नहीं यार, ये सामने टैंक वगैरह खड़े हैं, ये टैंक तो अपने गैंग मेंबर्स के नज़र आ रहे हैं मुझे, जो मिस्टर रेड स्केल का बंदा था ना। एक सेकंड, मुझे कुछ भाई प्रॉब्लम लग रही है भाई, कोई बचाने के लिए तो नहीं आ रहा मुझे भाई, ये हॉर्न मार रहा है मिस टैंक, अरे साइड से ले जा। चलो कोई बात नहीं, हॉर्न मार के दो। ओ भाई एक सेकंड, ये क्या है, ओ शिट, ये क्या हो रहा है, आप लोग ने देखा था भाई सबको ये मार दिया भाई स्नाइपर करके। ओ शिट, ओ भाई 25 सेकंड्स में यार स्नाइपर्स प्लस मिसाइल्स, भाई ये क्या ट्रैप था भाई। ऑल राइट, शाह सीन है यार, ये कौन कर सकता है, कोई दिख भी तो नहीं रहा ना। ओ मैन गाइस कसम से, ये देखो भाई इसको भी पैक कर दिया। और एक सेकंड रेड निंजा, भाई ये रेड निंजा ने मेरी जान बचा दी और ये ड्राइवर को भी मार दिया यार, एक नंबर यार। क्या ये बंदा ना खतरनाक वाला है, मतलब कहाँ छुप के स्नैप किया इसने भाई, मुझे नज़र ही नहीं आया यार। यार ऑल राइट गाइस, इन लोग ने मुझे ना छुड़ा लिया है और ये कह रहा है कि देखो हमें पता था, हम पहले ही तुम्हारे इस पे नज़र रख रहे थे। और गाइस ये कह रहा है कि वो सारे ना कमेंट इसने देख लिया और ये कह रहा है कि लोग मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मतलब आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ना रेड क्रिमिनल मतलब सॉरी रेड निंजा को ना धोखेबाज कहा था और बोल रहे थे कि इसी ने ना आपका भरोसा तोड़ा है और सारे के सारे पैसे चुरा लिए। और ये कह रहा है कि जब से मैं इन्वेस्टिगेशन पे लग चुका हूँ और भाई साहब तुम पे नज़र रख रहा हूँ और अभी ना तुम्हारी जान वगैरह बचा ली हैकर गर्ल की लोकेशन मतलब मदद लेके। यार चैट पे लिख दो रेड निंजा ओपी और यार धोखेबाज नहीं है। ये कह रहा है कि यार रेड निंजा कभी धोखा नहीं देता है, उसके डायरी में लिखा ही नहीं कि कहीं धोखा देना। तो यार मैं भी फुल भरोसा करता हूँ यार रेड निंजा पे, आप लोग भी भरोसा करो यार, तुम लोग भी लिखते हो यार धोखा दे रहा है धोखा दे रहा है, भाई कोई धोखा नहीं दे रहा है, रेड निंजा एकदम भरोसे लायक बंदा है। सो चलो यार यहाँ पर ना अब हमें आगे का प्लान करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चलो फटाफट से अभी बैठता हूँ। और ये सारे के सारे तो मर चुके हैं, कोई ज़िंदा तो नहीं है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है यार गाइस, बहुत ही अच्छी बात है यार। एक सेकंड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर ये देखो मर चुका है भाई, किसको फायर कर दी थी। और यहाँ पर ना कोई हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं लगता है, अपने हेलीकॉप्टर, ये कह रहे हैं कि अपने हेलीकॉप्टर, ठीक है कोई बात नहीं। पहले इन लोग का ना प्लान फेल हो चुका है, ये कह रहे हैं कि हम लोग ना पहले हेलीकॉप्टर वगैरह से ना अटैक करने वाले थे, बट गाइस अगर एक आधा मिसाइल वगैरह मिस्टेकली अपने गाड़ी पे लग गया होता ना तो प्रॉब्लम हो जाती और मेरी जान भी खतरे में थी। सो चलो यार तुम लोग फटाफट से ना भाई टैंक वगैरह ले आओ और गाइस फटाफट से आप यहाँ से ना अपनी जो गैंग बेस है वो नज़दीक ही है, तो चलो यार फटाफट से गैंग बेस पे जाते हैं और आगे का प्लान करते हैं। और ये ट्रेवर को तो यार बचाने के लिए कितने खाने की मैंने,
और गाइस कोई बात नहीं, अब ट्रेवर का भी गेम खत्म करेंगे और मिस्टर के का तो करेंगे भाई, धोखा दिया है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार 1000 लाइक कर दो यार, आप लोग भी धोखा दे रहे हो एंड वीडियो पूरी वॉच नहीं करते हो। एंड पूरा वीडियो वॉच करो यार गाइस, सपोर्ट मिलता है, और लाइक करो और एक बढ़िया सा कमेंट करो तो उससे वीडियो बूस्ट होती है एंड जल्दी जल्दी वीडियो आएगी, तो यार कर देना। सो चलो यार फटाफट से ना यार, अब मेरे को कुछ नहीं करना है लोकेशन। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं लोकेशन की ओर, अपनी गैंग बेस। और ये कह रहे हैं कि यार देखो, हम लोग ने ना जो अपने जो गैंग के बंदे उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, और कि शूटिंग स्किल बहुत ही वीक थी यहाँ, वो तो मैंने देखा यार। अपनी जो गैंग की शूटिंग वो था ना स्किल, वो ज़्यादा ही वीक था, मतलब ज़्यादा वगैरह नहीं, लोग हेड शॉट मार भी पा रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है यार। अभी नए लोग हैं, नए भर्ती हो रहे हैं, और ये देखो भाई ये तो ब्यूटीफुल लग गया है। ठीक है कोई बात नहीं। सो चलो अंदर चलते हैं और फटाफट से ना देखते हैं यार ये लोग कैसी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। और गाइस उसके बाद ना भाई ये मिस्टर के और ट्रेवर का गेम ख़त्म करना होगा, जितने भी हमारे दुश्मन हैं भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी सबका गेम ओवर करें, बस थोड़ी सी और पावर और पावरफुल वेपन्स वगैरह कुछ मिल जाए। और ये कह रहा है कि यार देखो यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो रहा है, सब लोग अचानक से प्रो बन गए भाई, प्रो बन गया और तेरे लिए कपड़े लाना भूल गया यार, सॉरी भाई भाई इसके लिए कपड़े लाना था मुझे। बट गाइस चलो यार ये कमांडर है, अब कमांडर को सेम कपड़े देंगे तो नहीं ना, कोई बात नहीं इसके लिए अलग सूट हम लोग सिलवा लेंगे। बट मैं खुद अभी किडनैप हो गया भाई, तुम लोग को आता पता नहीं है। और ये देखो भाई इसकी इनकी शूटिंग स्किल था भाई बढ़ चुकी है। ठीक है बहुत बढ़िया यार, रेड इंडिया ने भाई यहाँ पे ना क्रांति कर ली, तरक्की कर ली भाई। वो देखो भाई कहाँ से मार रहा है, अरे भाई ज़्यादा ही प्रो हो गया क्या। ये देखो जो बंदे ज़्यादा प्रो हो गया ना जी भाई, देख रहे हो कितना प्रो हो गया पीछे जाके। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट ऐसे ही ना मारते रहो। चलो यार बहुत सही यहाँ पर बिल्कुल ही ना। और ये देखो जिसका वीक है ना वो सामने से गोली लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही वगैरह प्रैक्टिस करते रहो और आगे जाके ये लोग भाई प्रो वाले गैंगस्टर बनने वाले, और इनमें से हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के करवाएंगे, रेसिंग वगैरह करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, और जो इसमें से भाई टॉप रहेगा उसको भाई गिफ्ट वगैरह प्राइज वगैरह दे देंगे। ठीक है और इनका भी हम लोग टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन करवाएंगे, तो गाइस उसके लिए वेट रहो। और एक सेकंड मुझे ना ट्रेवर की कॉल आ रही है, पता नहीं क्या कह रहा है, चलो बातचीत करते हैं। गाइस ट्रेवर मेरे को कॉल करके कह रहा है कि देख माइकल तू मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे को जान से मारूं। अच्छा बेटा, मतलब वो कह रहा है कि मैं तेरे को जान से मारना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने उन्हीं को बोल के ना तेरे को वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोल दिया। और वो कह रहा है कि देखो आगे जाके मुझे भी कोई तुमसे झगड़ा वगैरह नहीं करना है, मतलब वो कह रहा है कि मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यार ये क्या बात हुई, मतलब धोखा देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई अब तो मैं भरोसा करने वाला तो हो नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी मैं भरोसा करने वाला नहीं हूँ ड्राइवर भाई। वो कह रहा है कि मुझे कोई फाइट वगैरह नहीं करनी आगे जाके फ्यूचर में, मुझे भी आराम से जीने दो और तुम भी आराम से जीने दो, और मुझे कोई दोस्ती वगैरह पे कोई भरोसा वगैरह तो रहा नहीं। वो कह रहा है कि सब ना मुँह माया है। यार ठीक है बेटे कोई बात नहीं, तूने तो अपनी औकात दिखा दी, ठीक है ना, अब तेरे को पता चलेगा वो लोग तेरे साथ क्या सीन करेंगे, क्योंकि वो लोग ना बहुत खतरनाक लोग हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो खुद के लोगों की जान ले सकते हैं, मतलब अपना काम कराने के लिए, समझ रहे हो, मतलब क्या ही बोले यार, खुद का मतलब वो अपने को शिकार बना देंगे, मतलब चारा बनवा दे शिकार के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, और अपने को भी जाना है अपने हाई फील्ड मैंशन पे, जो अपना पुराना मैंशन है ना वो वाले मैंशन पे, तो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ और फटाफट से लोकेशन की ओर चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं हाई फील्ड मैंशन पर, जो हमारा सबसे पुराना वाला मैंशन है ना, जो अपनी KSP की सिक्योरिटी को मैंने दिया था संभालने के लिए, और वही SP की सिक्योरिटी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। सो यार कोई बात नहीं गाइस, करने दो, और भाई फटाफट से ना उनको इनकी औकात दिखा देंगे अपन लोग। अरे यार ये बंदा साला हॉर्न मार के ना मेरे को गाड़ी साइड करवा लिया, और गाइस मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब देखो मुझे बस देखना है यहाँ पर के अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, बस के देखना है, और यहाँ पर इसकी कितने सिक्योरिटी लगी, वैसे ही अपनी सिक्योरिटी थी। ये देख रहे हो ये मेरा पहला मेंशन है जो हमने परचेज किया था जब हम गरीब वगैरह थे,
जब आप समझ ही सकते, जब अमीर हुए तो, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वाली सिक्योरिटी वगैरह लगी है। और राइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है गाइस, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे ड्रोन कैमरा देखना है और बस देखना है कि के इस वाले मेंशन में है कि नहीं। अगर के इस वाले मेंशन में होगा तो हम लोग एयर स्ट्राइक वगैरह करके कुछ वगैरह ना करके अटैक कर देंगे। अभी हमको पहले ड्रोन वगैरह निकालना होगा और ड्रोन वगैरह से ना हम लोग सारा देख सकते हैं कितने इसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। सो चलो यार फटाफट से मैं इसको बोलता हूँ ड्रोन वगैरह निकाल दे। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग ने ड्रोन वगैरह निकाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ड्रोन अभी उड़ रहा है एंड इसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कितने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। और वैसे ना आप देख लो, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ भाई, इस पर ग्राउंड अटैक करना पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि ये इतना ऊँचा है ना, ये ऊपर से सब लोग मिलकर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और एक रास्ता है राइट से, बट वो रास्ता ना सिर्फ ऊपर से, मतलब कार से जंप करके हम लोग नीचे जा सकते हैं। सो गाइस, सिर्फ जो अंदर वाला है वही कार से ना बाहर जा सकते हैं जंप वगैरह करके, वरना बाहर वाला तो जा ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है ना, ठीक है। और वैसे देख रहे हो सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट है, कोई बात नहीं, ठीक है यार गाइस, कोई बात नहीं। फटाफट से ना एक बार चेक कर लेते हैं के वगैरह है कि नहीं गाइस, फिर हम लोग उसके हेल्प से ना अपने निंजा सिक्योरिटी वगैरह बोल के, अपने हेलीकॉप्टर वगैरह बोल के और भाई अटैक वगैरह हम लोग कर सकते हैं, समझ रहे हो। चलो यार फटाफट से ना एक बार गाइस चेक कर लेते हैं सारे चीज़ें। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। यहाँ पर मेरे को के दिख नहीं रहा है और सिक्योरिटी देख रहे हो फुल टाइट वगैरह है। अगर आप मेरे पुराने एपिसोड देख रहे हो गए, एपिसोड नंबर 20 से लेके आगे तक, तो ये वाला मैंने मेंशन यूज़ किया है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये अपना पहला मेंशन था जो हमने भाई किया है हमारे GTA 5 में। और चलो यार, यहाँ पर मेरे को के नज़र नहीं आ रहा है, जो अपना दुश्मन है यार वो कहाँ गया। एक सेकंड, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, एक सेकंड, मेरे को नज़र आ गया, पता नहीं आपको नज़र आया कि नहीं। ये देखो गाइस, देखो कैसे लेटा है साला फैस किया, आपको दिखा कि नहीं पता नहीं। एक सेकंड में और लेके जाता हूँ, अगर पूरा नज़दीक नीचे ले दिया ना भाई, इनको शक वगैरह हो जाएगा और ये लोग फालतू का मेरे पे अटैक वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन कैमरा कुछ होने वाला तो है नहीं, बट लेट्स सी गाइस। यहाँ पर ना एक सेकंड और नीचे जाता हूँ यार, ये स्ट्राइक कर देता साला, यहाँ पर मार देता। ये देखो, अरे बैस की यार फायर कर दी यार, ज़्यादा ही नीचे आ गया शो ऑफ करने के चक्कर में। वो देखो नीचे सो रहा है साला, और हेलो भाई, जो था होना था वही हो गया। और बैस की आग सालों ने RPG फोड़ दी गई इसके ऊपर, पता नहीं इतना बड़ा वाला ब्लास्ट हो गया। और शेट यार गाइस, छोड़ो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। भाई अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है भागूँ या इधर ही रहूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया है मैं ड्रोन से देख रहा हूँ, पता नहीं उन्हें पता है कि नहीं यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। रेटिंग जा कह रहा है कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, डायरेक्ट अटैक वगैरह कर देंगे अपना सुपर टैंक और अपने एयर स्ट्राइक। ग्राउंड स्ट्राइक तो पॉसिबल नहीं है ना यार, ये भी सही कह रहा है भाई, बट यार SPG सिक्योरिटी भाई पावरफुल है भाई। ठीक है यार, एक काम करते हैं यार, मैं ना भागने की कोशिश कर रहा था, बट अपने को भागना नहीं है भाई, अपने जो अपन ऐसे भाग भाग के ना अपने दुश्मन को लग रहा है अपन भाई कमज़ोर हो गए एंड बला बला, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनको इनकी औकात हम लोग दिखाने वाले हैं। सो यार चलो अभी एक काम करते हैं हम लोग, मैं फटाफट से कॉल वगैरह करते हैं ना, सबको बुलवा लेते हैं, अपने हेलीकॉप्टर वगैरह सबको बुलवा लेते हैं और अपने जो टैंक है ना सुपर, डायरेक्ट अटैक वगैरह कर देंगे। ऑल राइट यार गाइस, हमने सब कुछ कर दिया था, कॉल वगैरह और अपने SPG सिक्योरिटी, मतलब सॉरी अपनी जो निंजा सिक्योरिटी है ना भाई, उनके दो हेलीकॉप्टर्स भी इधर आ चुके हैं। अभी डायरेक्ट हम लोग अटैक करेंगे एयर स्ट्राइक से, ठीक है, और अपना जो सुपर टैंक है भाई उसको डायरेक्ट अंदर ले जाएंगे, जिससे वो ना अपने RPG से फायर वगैरह नहीं कर सकते। और रेड निंजा को मैंने बोल दिया है जैसे हम लोग अंदर घुसेंगे तो बाहर का सब कुछ सामान लेना अपने निंजा अपने और ब्लैक सिक्योरिटी वालों को बुलाकर, ठीक है। तो यार गाइस अब ना टाइम आ चुका है अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने का, अब बहुत हो चुका है, मैं कुछ अटैक वगैरह कर नहीं रहा हूँ भाई, मतलब बड़े आराम से बात वगैरह कर रहा हूँ ना, तो उनको लग रहा है कि मेरी फट चुकी है भाई ऐसा वगैरह, बट उन्हें क्या पता माइकल क्या चीज़ है। तो यार अब ना माइकल 2.0 देखने को इनको मिलने वाला है, अब इनको इनकी औकात याद आएगी और इन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ।
सो चलो यार गाइस अब ना इनका गेम ओवर करते हैं और इनको दिखाते हैं कि यार माइकल क्या कर सकता है। चलो गाइस ऑल राइट गाइस भाई डायरेक्ट मिसाइल ठोक दो भाई, सालों पर मिसाइल भी फूकेंगे और भाई साहब गंदा वाला आता है। अब देखते जाओ भाई एयर स्ट्राइक देखते जाओ, ये देखो ख़त्म है यार, ख़त्म है बिल्कुल ना, गेम ओवर है सालों तुम्हारा, गेम ख़त्म है बिल्कुल ही ना, गेम ही क्लोज कर देंगे गाइस समझ रहे हो, गेम क्लोज। चलो 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 निकलो भैंस की आँख सालों तुम्हारी, निकलो यहाँ से निकलो सालों, चल निकल। और राइट गाइस बहुत ही सही वाला काम हो चुका है और यहाँ से ना फटाफट से, अरे पुलिस वाले ऑफिसर, अरे भाई भाग रहा है भैंस की आँख सारा लूट गएगा भाई, भाग रहा है। चलो चलो अंदर चलते हैं और भाई डायरेक्ट अटैक करते हैं भाई, अब ना बहुत हो चुका है, इन लोग को लग रहा है कि भाई माइकल हल्के में नहीं लेगा भाई, तुम धोखा दोगे कुछ नहीं करेगा भाई, घुस के मारेगा भाई, अब बहुत हो चुका है, अभी जितने भी हमारे दुश्मन है ना भाई सबको मारेगा तुम्हारा भाई, हर एक बंदे को मारेगा। ये देखो एयर स्ट्राइक वगैरह तो शुरू हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया वाली है ना एयर स्ट्राइक वगैरह शुरू हो चुकी है, जो कि अच्छी बात, ठीक है बहुत ही सही, एक ही नंबर मज़े आ चुका है इस, ठीक है। ये देखो एयर स्ट्राइक से फोड़ दिया बिल्कुल, ओह शिट, और ये एसपीजी जो है अपनी भाई ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ही वाली पावरफुल है भाई, देख रहे मर नहीं रहे, और ये लोग नीचे कूद गए और इनको लग रहा है नीचे वगैरह मिसाइल वगैरह भी आने वाला है, बट कोई बात नहीं भाई सबको मारेंगे, सबको पेल के ही रख देंगे, इनको लग रहा है कि ऐसे वगैरह कुछ होगा भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है, और इनको इनकी औकात हम लोग दिखाते रहेंगे और इनको बता देंगे कि अपन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये देखो मिसाइल वगैरह तो हम लोग छोड़ ही रहे, ये देखो बिछारा भाई आग लगने के बाद भी जिंदा है, खत्म है भाई गेम खत्म है एकदम ही, गेम ओवर है। चलो बहुत से अंदर घुसते भैंस की आग भाई केक आ गया, और ये देखो ब्लॉक्स वगैरह ही नीचे आ गए, ऑल राइट मिसाइल डाल दो सालों पे, खत्म है गाइस खत्म है, आ जाओ ये चल निकल साला भैंस की आगे सारे, देख रहे कुछ ठीक ही मुफ्त मर रहे हैं भाई, जल जल के मर रहे हैं, तो इसको कहते हैं गाइस पावर कहते हैं अपने निंजा सिक्योरिटी का, बस तीन लोग मिलके सारी सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एयर स्ट्राइक करके भाई, ये लोग आरपी भी चला भी नहीं पा रहे और यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भी मैंने लगवाया नहीं है, आपको याद ही होगा यहाँ पर मैं एयर सिस्टम लगवाने वाला था बट मैंने नहीं लगवाया। चलो ठीक है यार चलता है गाइस, और इन पर औकात दिखा ही देंगे, और ये देखो बेस्ट क्या साले तेरी इतनी औकात, ये चल भाई चूरा हो गया बेचारा भाई, दिखा तक नहीं खा गया, ओहो शिट मैन गाइस, ये कहते हैं पावर समझ रहे, इसको कहते हैं गाइस पावर, और बस हम तो के को ढूंढा है के कहाँ पर है और किधर नहीं है, और फिर ना इनको दिखा ही देंगे क्या सीन है, अपन लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। चलो गाइस फटाफट से गेम ओवर करने का टाइम आ चुका है, इसकी एक्शन निकल, और भी कोई है क्या आ जाओ सालो आज, ओह शिट भाई क्या था ये भाई, जब भाई क्या ही मिसाइल वगैरह लॉन्च कर रहे हैं ना, कसम से, ये देखो भाई खत्म है एयर स्ट्राइक, ओके इतना चैट लगा दो सारे के सारे बच्चे का मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, एयर स्ट्राइक इतना चैट लगा दो, और भाई वीडियो को 1000 लाइक कर दो यार गाइस, छोटी वीडियो है क्योंकि एग्जाम तो यार आपको पता है यार, अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आप फ्री के अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे और भाई बहुत लंबे वीडियो आने वाले, तो यार वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अब माइकन 2.0 आपको देखने को मिलेगा, अपने जितने भी दुश्मन है ना भाई सबको मारेंगे तुम्हारा भाई, सबको मारेंगे, अच्छा मारेंगे, गेम ओवर है, भैंस की आँख चल निकल, भैंस की आँख ये टूटने वाला नहीं है भाई, बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत है भाई। चलो गाइस खत्म है एकदम ही ना, गेम ओवर, और मुझे उतरने होगा यहाँ पर सालों का, भैंस की आँख चल निकल, तुम लोग भी निकलो और तुम्हारी औकात भी दिखा देंगे सालों, तुमको पता नहीं किससे पंगा ले रहे हो, गजब है गाइस, अरे 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 भाई माइकल का पैर फिसल गया, वरना ये कितना रेयर चीज़ है भाई, वरना कभी ऐसा होता नहीं है, बट पैर ही फिसल गया,
ठीक है कोई ना, वैसे चलता है। और चलो 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 भाई साहब, और कोई है क्या भाई? सिर्फ तीन लोग ने मिल के इनकी हालत ख़राब कर दी, मतलब अपनी एयर स्ट्राइक और मैंने मिल के। तो यार मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर ग्राउंड अटैक करना पॉसिबल नहीं है, बट एयर स्ट्राइक करेंगे ना, सालों को समझ ही नहीं आएगा। और यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भी लगवा नहीं है, तो आसानी से हम लोग अटैक कर सकते हैं। बहुत से आराम से अटैक करना भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, फटाफट से ना यहाँ के लोग को भी टपका देते हैं। ये देखो यहाँ पे भी खड़े हैं साले तुम लोग। कोई बात नहीं, अब ना गेम ओवर है। अब इन्हों पता चलेगा भाई के का आ गया। वैसे मैंने के को ढूंढा है भाई, के पे पता नहीं यार। चलो वैसे ना हमारे जो रेड निंजा, मैंने उसको बोल दिया दरवाजे पे खड़े रहे भाई। रेड निंजा वो जो भी है ना, मतलब बाहर निकलेगा के, उसको जगह पे मार देना तड़पा के। सो चलो वो तो हमने उसको बोल दिया है, वो तड़पा के उसको मार ही देगा। ये देखो भैंस किया, चल निकल लूट देगा। और मेरे को इधर कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई नज़र आएगा। और ये एयरपोर्ट की क्या हालत कर दी है इन लोग ने यार, कसम से ना। ए भैंस की यार, मैंने कुछ बोला है, अब देखो नीचे गिर गया यार, क्या ही सीन है वे। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। के को ढूंढना है अपने को, और कुछ नहीं गाइस, बस के को ढूंढो और के की औकात उसको दिखाई देंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। और इधर मेरे को लग नहीं रहा और भी इनके नापने जो बंदे हैं, और कोई बचा होगा? और अपने सारे के सारे इधर के कार्स भी इसने सारे ने बेच के खा गया क्या? चलो फटाफट से इसको लेता हूँ अंदर, वरना इधर ही रह गया ना, वरना ये कोई चला लेंगे और अपना ही प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। सर ठीक है चलो लेट्स गो। और भी कोई है क्या वहाँ पर? एक सेकेंड यार भाई, मेरे को लग रहा के होगा भाई। वैसे रास्ता एक ही है, इंटरेस्ट तो एक ही है इसका, बाकी सारी पहाड़ी है रहे। क्या पता हेलीकॉप्टर बैठ के चला गया हो, मेरे को लग रहा था हेलीकॉप्टर वगैरह कोई भी नहीं था जब हमने देखा ना। एक सेकंड, रेड निंजा मेरे को बुला रहा है, कह रहा है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, फाइट वगैरह हो रही है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ यार, वेट कर यार। यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी नहीं था जब हमने देखा ना ड्रोन में भाई, कुछ भी नहीं था। चलो ठीक है और फटाफट से चलते हैं गाइस, और यहाँ पर ना पता करते हैं कि यार क्या सीन है और क्या नहीं है। और लेट्स गो, और गाइस आई होप कि के को पकड़ लिया हो भाई। इधर ही के होना चाहिए के, यार पता नहीं कहाँ गया यार भैंस की, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ गया वो भाई। एक ही रास्ता है वैसे तो, नीचे से जा सकता है, ये लेफ्ट देख रहे हो, यहाँ से जंप करके भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक स्लोप है। और राइट, यहाँ पे फाइट वगैरह हो रही है, कुछ गैंग वगैरह हो रही है। ऑल राइट गाइस, लेट्स गो भैंस की, आप इनको इनकी औकात दिखा देंगे। कोई बात नहीं, चल निकल साले भैंस की आग, चल निकल। और ये देखो अपनी जीप हैगन लेके सारे के सारे ब्लैक निंजा जा चुके हैं। गेम ओवर है एकदम ही ना, गेम ओवर है, सालों को चूरा कर देता है, पंगा ले लिया है ना। अब तुम्हें पता चलेगा माइकल क्या चीज़, तो लग रहा है यार माइकल से ऐसे पंगा वगैरह ले देंगे, धोखा वगैरह दे देंगे और हमारे दुश्मनी के साथ मिल जाएंगे। बेटा तुमको पता नहीं है असली रूप क्या है माइकल, सब छू बात रही, इनको असली रूप दिखाएंगे रहेंगे और बता देंगे कि माइकल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है भाई। सब कुछ ना इनके सारे के सारे चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर दी, वैसे सारे चीज़ें मेरे ही है भाई, मेरे ही पैसों पे है भाई। अब क्या करेगा इस, अब करे तो करे क्या भाई? के को ढूंढो यार फटाफट, जाओ जल्दी से भाई, काम वगैरह करो। और भी कोई है क्या भैंस की? आप और भी लोगे? ऑलराइट गाइस, और भी लोगे कोई बात नहीं और भी लोगे ना। ठीक है गाइस, फटाफट से ना इनको भी औकात दिखा देंगे। एक सेकंड यहाँ पे, और सारे मेरे को लग रहे और आ ही रहे यार, ये लोग छुप के बैठे हैं साले। देख रहे हो, मैंने बोला था आपको जो मतलब दौर में देखा था ना, ये लोग बहुत सारे थे बट वो गए खाते साले, छुप के बैठे नीचे आ रहे हैं ये लोग। यार इन लोग को मारो यार, रे इनका क्या कर रहा है यार, ख़त्म करो इनका गेम सीन हो भाई, गेम ही ख़त्म कर दो इन सालों का। ऑलराइट गाइस, चलो बहुत ही सही, गेम ओवर ही कर देगी। और शिट, आ जाओ बेटा, तुम्हारी ना आज गेम ख़त्म है, तुम्हारा बस बॉस मिल जाए हमको, मतलब हमारा दोस्त इनका बॉस, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, ख़त्म तो होने वाला तो है ही, मुझे उतरना होगा एक सेकंड गाइस, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है लेट्स गो आज गाइस, जल्द से जल्द अभी हमें सारे के सारे जितने भी दुश्मन है हमारे,
भाई सबका गेम ओवर करना है, अपने दुश्मन अब ट्रेवर हो चुका है, ईगल के दो भाई और गोस्ट मास, और गैस ये बालास का भी एक बंदा है, उसने भी हमें धोखा दिया, और ये जो बंदा है ना अपना फ्रेंड धोखेबाज नमक हराम मिस्टर के, इसको भी इसकी औकात निकालनी होगी जल्द से जल्द। अब कोई बात नहीं गाइस, जल्द से जल्द ना उसकी औकात उसको दिखा देंगे। सो चलो यार फटाफट से, यार रेड निंजा कहाँ गया, एक सेकंड रेड निंजा, यार ये फायर विकेट वाला क्या काम है यार, यार फालतू मेरा दिमाग वगैरह खराब कर रहे साले, देख रहे हो आ रहे भाई दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फटाफट से ये देखो रेड निंजा, ये देखो यार रेड निंजा ना यार पता नहीं यार गाइस क्या सीन है। हाँ यहाँ पर देखो यार रेड निंजा ने एक बंदा फाइंड किया, और साला ये एक सेकंड, ये के तो नहीं है ना यार, मुझे लग रहा है ये के नहीं साला मरने के बाद की गोली चला रहा है, देखो कितना पावरफुल है ये के एस पी जी। यार गाइस बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ये फेक एस पी जी, अरे मेरे भाई फेक एस पी जी नहीं है, उनको हम लोग ने अपग्रेड वगैरह किया था, दूसरे कपड़े पहने थे यार, अभी सारे के सारे एस पी जी मतलब मुझे पता है कोट वगैरह में रहते हैं, बट हम लोग ने वेस्ट वगैरह फुल अपग्रेड की थी, मतलब समझ रहे हो यार गाइस, तुम लोग कहते हो यार नॉर्मल जैसे रहते हैं, वो तो मुझे भी पता है यार नॉर्मल रहते हैं, बट हम लोग ने उनको और पैसा वगैरह दे के और वगैरह वेस्ट वगैरह दी थी यार। तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फेक बोलो या क्या बोलो, बट चलो यार गाइस हम लोग ने सबको ख़त्म कर दिया, अब इंसान है यार इंसान तो मरेगा ही ना, वरना कुछ लोग बोले यार एस पी जी इतनी खतरनाक होती है बुला बुला, भाई इंसान इंसान होता है और कुछ नहीं, बात ख़त्म है। चलो यार गाइस ठीक है फटाफट से ना, और भाई साहब अब मेरे को भाई ढूंढना है के को, और भाई देखना है कि यार वो बंदा ना कहाँ पर है, और उसकी उसकी औकात दिखा रही है, वैसे यहाँ पे ही कहता वो हर एक सेकंड, मेरे को लग रहा है ना वो इधर ही कहीं गया होगा, वैसे गाड़ी तो यहाँ से आएगी, मुझे लग रहा है ना वो कहीं बाहर गए पैदल ही जा सकते हैं, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे ही लग रहा है अंदर एक भी गाड़ी नहीं थी, और पता नहीं यार गाइस। चलो एक बार ना चल यार रेड निंजा फटाफट से आ जा, और चल मेरे साथ में बैठ जा, और गाइस पता करते क्या सीन है एंड क्या नहीं। सो चलो लेट्स गो, एक सेकंड इसमें गाड़ी में बैठ जाता हूँ, अपनी जी वैगन यार अपने शोरूम से इनको मैंने गिफ्ट वगैरह की थी, अभी इनको गिफ्ट वगैरह भी करनी है बहुत सारा, कार वगैरह अपने गैंग वाले बंदों को, और भी नया नया माल लाना है अपने शोरूम पे, तो आपको पता ना कौन कौन से ऐड करनी है, और एक बंदा कह रहा कि बेंटली ऐड करूँ, भाई मैंने बेंटली ऐड की थी यार पर तुमने वीडियो देखी नहीं, और रोज भाई कमेंट करते बेंटली लो ब्रदर मैंने बेंटली ऐड कर दी थी, पता नहीं आपको कौन सी बेंटली चाहिए, तो यार मेरे को उसका इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर दें ठीक है। सो चलो यार मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता है पीछे से निकलने का, जहाँ से वो आराम से निकल सकता है, मेरे को लग रहा है ना वो बंदा के जो है ना वो इधर से कहीं निकला होगा, समझ रहे, यही एक रास्ता है जो कि वो यहाँ से भाग सकता है, वरना बाकी तरफ ना खाई वगैरह है, बस एक ही एक स्लोप वगैरह है देख सकते हो, ठीक है एक सेकंड में इधर से मैं जाके देख सकता हूँ, क्योंकि एक रास्ता है ना कि यहाँ से निकल सकता है कोई ना कोई। सो चलो यार फटाफट से एक बार जाते हैं, और क्या पता इधर मिल गया तो भाई अच्छी बात है, कहीं यहाँ पर अगर वो बहुत टाइम नहीं हुआ वैसे पैदल जाने में टाइम लगेगा उसे। चलो यार फटाफट से ना देखते हैं, यहाँ पर तो मेरे को नहीं लगा, एक सेकंड ये देखो ये के ही है ना, एक सेकंड ये कौन है, ये के नहीं है सॉरी, ये तो फैंस किया किसने, इनकी ने कार ला ली बुलेट प्रूफ वाली, ये के ही था ना, पता नहीं यार के ही था आई थिंक कार के अंदर, साला भाग रहा है, रुक जा इसको ना भाई चेस कर रहा, आराम से चेस कर लेंगे भाई, आराम से मरेगा भाई, आराम से मर जाएगा, इसकी मौत आज ख़त्म है गाइस, ख़त्म है बिल्कुल ही ख़त्म है भाई, मेरे पास जी वैगन है जिसकी स्पीड 400 के ऊपर पार जाती है, 400 के ऊपर कोई बात नहीं, साले के पास बुलेट प्रूफ है यार, वो ही डिसवेंटेज है यार गाइस, वो कार ना बुलेट प्रूफ है, उसे कुछ होने वाला नहीं है, शेट मैन कोई बात नहीं, बट अपनी कार 400 के ऊपर स्पीड पकड़ लेती है आराम से, बहुत आराम से, तो कोई बात नहीं, उसको चेस तो मैं आराम से कर दूंगा भाई, जितना दूर जाना है चला जा भैंस की आप, ठीक है वैसे वो कार भी ना भाई तेज़ भाग रही है, अपनी भी 200 के स्पीड में, उसकी भी 200 प्लस ही दिख रही है मुझे भी, ऑल राइट स्पीड कम करती साले को, यार कुछ नहीं हो रहा है, इतना फायर कर रहा हूँ ना भैंस की आप, ये देखो कितने सारे बुलेट वगैरह किए, बट गाइस बुलेट प्रूफ कार है यार, वो देखो पीछे से डिजाइन वगैरह भी अपने हेलीकॉप्टर वगैरह छोड़ दिया भाई, देखते यार मतलब मेरे को लग गया ना भाई प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी, ये देखो भैंस किया ठोका साले को, एक सेकंड बस 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 अटका दो भाई, गया ये गेम खत्म है आज ना, अरे यार भाई स्लिप मार गई तेरी गाड़ी यार शट, कोई बात नहीं गाइस, भाई चेस तो कर लेंगे, कहाँ जाएगा बच के,
भाई जहाँ जाना है चला जा भाई, इंडिया जाना है जहाँ जाना है, जहाँ जाना है चला जा। ओ शिट, ये क्या है भाई, मेरी कार सामने चलेगी और भाई मैंने कितने की स्पीड में उसको भाई टक्कर मारी यार, भैंस की आखट यार। ये क्या था यार, मैं डायरेक्ट कार से मतलब जो सामने वाली जो होती ना, अरे यार सॉरी यार गलती से धक्का लग गया यार, फटाफट से बैठ यार, क्या कर रहा है तू यार। यार मैंने टक्कर मारी और सामने की जो कांच है ना भाई, उसी में से बाहर निकल गया मैं। शिट यार, अब तो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। कोई बात नहीं, मैं भी स्पीड बढ़ाता हूँ भाई, 300 की पार कर लेता हूँ भाई, आराम से जाएंगे, 400 भी जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। अरे भाई मैडम जी, अरे यार यार वो लड़की को बचाने के चक्कर में भैंस क्या मैंने इधर ठोक दी यार। शिट, क्या ही सीन है यार, एक को बचाने के चक्कर में अब तो यार भूल जाओ भैंस यार। लग रहा है वो दूर चला गया, अब पता नहीं इधर से गया राइट से गया, मेरे को नहीं पता यार। वो लड़की को बचाने के चक्कर में मैंने सीधा स्ट्रीट ले ली, साला मेरे को टर्न करना था वहाँ पर, बट इतनी स्पीड में थी ना भाई, क्रैश ही हो गया यार। गाइस मेरे को लग नहीं रहा है कि अब ना वो ढूंढ पाएंगे यार। रेड निंजा तो सही कह रहा है, रेड निंजा कह रहा है कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब उसे काई ढूंढेंगे, अब तो वो अपने से बहुत ज़्यादा ही प्लस हो गया मतलब स्पीड में यार। सही कह रहा है यार गाइस, तो यार गाइस उसको हम लोग यार अब यार हाथ से ही चला गया कसम से यार, ये उसके में बाहर आ गया, वरना आज उसकी मौत पक्की थी। बट कोई ना गाइस, हम लोग फुल प्लान वगैरह करेंगे और उसको मारने की उसकी प्लान वगैरह करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे थे, 1000 लाइक कर दो और कैसे भी करके सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और गाइस नई वीडियो आएंगी, और आज का वीडियो छोटा है क्योंकि एग्ज़ाम था यार, गाइस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो आप लंबी वीडियोज़ भी आएंगी और दूसरे गेम्स की वीडियो आएंगे दूसरे चैनल पे। तो यार जब तक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक बढ़िया बढ़िया कमेंट ज़रूर करना, और गाइस सारे के सारे चेक पॉइंट भी ज़रूर लिख देना, और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो यार, एंड इंस्टाग्राम पर अपडेट वगैरह देते रहूँगा। और भाई सब अपना व्हाट्सअप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। और गाइस हम ना अभी आगे जाके हमारे सारे दुश्मनों को भाई ख़त्म करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो यार गाइस वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है और ख़तरनाक आने वाली है। तो यार तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय।